बिरयानी का तो जुगाड़ यहाँ बना नहीं, और इसमें हम 4 या 5 बंदे हैं। अब चल दिए हैं पहाड़ी की ओर, और पहाड़ों के बीच में जाकर के मुर्गी को फ्राई करना है। चाहूँ पहाड़ों के बीच में तो पहुँचने के बाद यहाँ पे अचानक बरसात शुरू हो गया। देख रहे हो कितना गीले गीले से हो रहे हैं, फ़ोन भी गीला हो रहा है, वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया छुट्टी के बारे में। इंडियन वर्कर जो यहाँ पर काम करते हैं उसका छुट्टी कौन सा दिन होता है, और छुट्टी कितने टाइम तक होता है, इस छुट्टी में क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, और जो ड्यूटी की टाइमिंग होती है यहाँ पे जो इंडियन वर्कर काम करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो या इंटरनेशनल वर्कर हो, उसकी फुल डिटेल के बारे में। और जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है कि सऊदी में मास्क अलाउ हो गया है, और इसीलिए हमने मास्क भी लगा रखा है, और आपको भी लगाना बहुत लाजिम है। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे, और चलते हैं आगे की ओर। और भी बंदे हैं, उनसे भी मैं आप लोग। और बरसात में पूरी रोड गीली है, और ये है हमारी गली का नज़ारा, और ये गली है पूरा, और इसी तरह से मैं आपको दूसरे साइड भी दिखा देता हूँ। जुमा का दिन है, और आप सभी भाइयों को जुमा मुबारक होते हैं दिल से। और जुमा एक ऐसा दिन है कि इंसान कहीं भी हो और कितनी भी टाइम की उसके पास किल्लत हो, वो टाइम निकाल करके मस्जिद जाता है या नमाज़ के लिए। और हर इंसान को नमाज़ पढ़ना चाहिए जिस हिसाब से हम जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, और इसी हिसाब से कोशिश करना चाहिए पांचों टाइम की नमाज़ पढ़ने की। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई हैं कि टाइम रहते हुए भी वो मस्जिद नमाज़ के लिए नहीं जाते हैं, तो उसे जाना चाहिए, और इसी बहाने थोड़ा वजू भी हो जाता है पाँचों टाइम का, और हाथ पर अगर धुल जाते हैं तो जो कोरोना या और भी ऐसी बीमारी है या इन्फेक्शन है हाथों में, वो सब निकल जाता है। तो इसलिए नमाज़ बहुत ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ो और अपना सेहत का ख्याल रखो। और जुमा का दिन है, मैं हूँ डोमेस्टिक वर्कर में काम करता हूँ, डोमेस्टिक वर्कर यानी हाउस ड्राइवर में हूँ। हाउस ड्राइवर में क्या है कि पहले मेरा भी डेली ड्यूटी लगता था, जुमा का दिन भी सुबह 7 बजे 8 बजे लग जाता था। बीच में मैं अपने कफिल से बोला हूँ कि हफ्ते में एक दिन मुझे छुट्टी चाहिए, और छुट्टी को लेकर के हमारा काफ़ी बहस हुआ कफिल के बीच, और बहस होने के बाद फिर जाकर के फाइनली ये रिजल्ट निकला है कि जुमा को दोपहर के 1:30 बजे तक मेरा छुट्टी होता है। दोपहर 1:30 बजे के बाद मेरा ड्यूटी लगेगा, और इससे पहले मेरा ड्यूटी नहीं ले सकता है जुमा का दिन। अगर मुझे कहीं भी जाना हो, जैसे यहाँ हमारे पास में मार्केट, इंडियन मार्केट है, बथा मार्केट, अगर मुझे बथा मार्केट भी जाना होता है तो हम जुमा का दिन ही जाते हैं, और दूसरा दिन हम बिल्कुल ही टाइम नहीं निकालते हैं कहीं जाने का। तो इसलिए जुमा का दिन बिल्कुल बेस्ट दिन है, और जुमा का दिन जाना बहुत अच्छा है। अपनों से भी मिल लेते हैं, जितने हमारे यार दोस्त हैं सबसे मिल लेते हैं। आज जुमा का दिन है, नमाज़ पढ़ करके आया हूँ, और रूम पे गाड़ी खड़ी किया हूँ। खड़ी करने के बाद फिर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम 2-4 दोस्त मिल करके एक साथ पार्टी किए हैं, खाना पीना एक साथ बना है जो भी बना है, और हम लोग एक जो भी हिस्सा आता है आपस में हम शेयर कर लेते हैं। तो उनके रूम पे चलते हैं, और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ उन बंदे से। ये उस बंदे के रूम की तरफ चल रहा हूँ, और ये यहाँ का माशाल्लाह ये मस्जिद है, और ये मस्जिद का एंट्रेंस गेट है। इस मस्जिद का 3 गेट है इस मस्जिद में एंट्री करने के लिए। और ये हमारे भाई है उत्तर प्रदेश से, और इसका नाम है मेराज, ये इनकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। तो ये है इनका रूम। बिरयानी का तो जुगाड़ यहाँ बना नहीं, और इसमें हम 4 या 5 बंदे हैं। अब चल दिए हैं पहाड़ी की ओर, और पहाड़ों के बीच में जाकर के मुर्गी को फ्राई करना है। तो ये पतीले में ले लिया हूँ मुर्गी, और सामने वो 2 बंदे जा रहे हैं पतीला और पानी का बाल्टा लेकर के, और ये मेराज भाई अभी निकल रहे हैं, मसाला और थोड़ा चटनी तैयार कर रहे हैं। तो पहाड़ी में चलते हैं, और चलने के बाद देखते हैं कि वहाँ कैसे क्या है। थोड़ा हवा भी चल रहा है, और बरसात का मौसम भी हो रहा है, और लकड़ी भी इकट्ठा करना, और लकड़ी भी गीली गीली है, किस तरह से जलाना, थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा जलाने में। बड़ी दुख की बात है, पहाड़ी में आया मुर्गी भूजने के लिए। मैं हूँ और अरमान भाई है, और ये पाकिस्तानी एक पठान है। और जब मैं पहाड़ी में पहुँचा हूँ पहाड़ों के बीच में, तो पहुँचने के बाद यहाँ पर अचानक बरसात शुरू हो गया। देख रहे हो कितना गीले गीले से हो रहे हैं, फ़ोन भी गीला हो रहा है, वीडियो शूट करने में। ये पूरा पहाड़ी एरिया है, और अब मैं वापस जा रहा हूँ,
वापस चलते हैं मस्जिद की ओर। एक मस्जिद है, वो पूरा अंदर ग्राउंड है, उसके अंदर भूजने की कोशिश करेंगे और उधर ही भूजेंगे, क्योंकि यहाँ तो भूज नहीं पाएंगे, यहाँ खुद गीले हो जाएंगे और आग भी नहीं जल पाएगा। बरसात के चलते ये पार्टी पूरा ख़त्म हो गया है और जो आज का ये कुक मैन है ये सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मस्जिद है और मस्जिद के ग्राउंड में आ गया हूँ और खाना यहीं हम लोग खाएंगे, क्योंकि खाना पीछे दूसरे के रूम में बना है मेराज भाई के और उसमें इतना जगह नहीं है। ये मस्जिद है और अब चलते हैं शेर भाई के रूम पे, ये इनका रूम है। ये से क्या करना है, मैं के बड़ा रख के वाय वाय पाकिस्तान। सलाम अलैकुम शेर भाई, क्या हाल है? और सब बढ़िया, सब खैरियत? तो ये है इन भाई का रूम और माशाल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और रूम भी थोड़ा काफ़ी बड़े हैं शेर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुके हैं फिलहाल और खाने का प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल आ सकते हैं, वेलकम है सर। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे हिसाब में ठीक है, खुदा हाफिज़।